नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों पूछे अपना सवाल, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आपकी भी है कोई समस्या खेती बाड़ी या फिर पशुपालन से जुड़ी हुई, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी सी श्रोतिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, मुक्तेश जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें अपने फसल की तस्वीर भेजी है, तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, हेलो, मुक्तेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हेलो, हाय अंशु जी। सर आपका सवाल आया है, आपने व्हाट्सएप के जरिए हमें खीरे की तस्वीर भेजी है। हाँ जी जी। सर कोई प्रॉब्लम है खीरे के पेड़ में? हाँ, सो एक्चुअली मैंने ना अपने किचन गार्डन में कुछ कुकुम्बर के पेड़ लगाए थे जी। ठीक है, सो उनका सीड लेके आया था और सीड को प्रॉपर जर्मिनेट किया था, तो जो सीडलिंग बने थे वो मैंने प्लांट किए। तो क्या हुआ, तो उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, तो लेकिन बट 15 से 1 महीने के बीच में सारे जो पेड़ थे उनका जो ट्रंक का तना, ऊपर का पेड़ बिल्कुल सही है लेकिन तने से वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, फिर पेड़ गिर जाता है। हाँ मुक्तेश जी, कुकुम्बर में इस तरह के एक तना गलन या सड़न की बीमारी होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर पहले पीला पड़ता है और फिर वहाँ सड़न सी हो जाती है। कभी कभी उसमें गोंद जैसा पदार्थ भी निकल सकता है। तो ये पहले तो इसमें जब भी आप नया बीज लें तो बीजों उपचार जरूर करें, तो वहाँ से एक बचाव की संभावना रहती है। और जब भी ऐसा छोटा सा बीमारी को देखें बढ़ने से पहले, तो हम इसमें बावेस्टीन का घोल बना करके सिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये और जो भूमि हम ले रहे हैं वो भी थोड़ी स्वस्थ हो तो अच्छा रहता है। तो जैसे ही हमको रोग दिखे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका उपचार कर लें ताकि रोग बढ़े नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मोहन जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, हेलो, मोहन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैम जी। सर आपका सवाल आया है जी, कपास में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पूछे अपना सवाल। जी मैम, ये ना थोड़ा जो पत्ते हैं ना जो कपास जी, के जी, वो मैम पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे धोना बनाते हैं ना ऐसे, मतलब पीछे की तरफ पत्ते मुड़ जाते हैं और ऊपर से जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो सूख रहे हैं। अच्छा मोहन जी। हाँ जी सर। सुबह अगर आप देखते हैं पत्तों में कोई छोटे कीड़े तो नहीं नजर आते आपको? कीड़े नजर आते हैं सर, पीछे की पत्ते की तरफ ना हरे हरे कीड़े नजर आते हैं सर, थोड़े थोड़े। हाँ जी, तो ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वही पत्ते को आकार बिगाड़ देते हैं और रस चूस लेते हैं इनका। तो इन रस चूसने वाले कीड़े को हटाना होगा। तो एक तो आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी सर बोलिए। तो दवा तो आप कोई भी ले लें, मेलाथियन जैसे साधारण दवा भी आमतौर पर मिलती है उसको ले लेंगे और उसका छिड़काव करेंगे, या साइप्रोमेथीन डाल दें, कोई भी दवा आप डाल सकते हैं जो इंसेक्टिसाइड। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं ताकि कीड़े उसमें जाके सुगंध से वहाँ नष्ट हो जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि कीड़ों का प्रकोप अभी ज़्यादा है, तो नियंत्रण करें इसका। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, श्रवण कुमार जी से, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। जी हेलो।
हेलो, श्रवण कुमार जी बात कर रहे हैं? जी जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी जी, हाँ जी, कहाँ गए? जी सर, आपका सवाल आया है, आप बटेर पालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी, बटेर पालन के बारे में जानना चाह रहे थे, उसको हम अपने स्तर व्यक्तिगत रूप से इसको स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं। हाँ श्रवण कुमार जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बटेर पालन करना चाहते हैं। एक तो बहुत कम जगह में और बहुत कम खर्चे में और जल्दी ही लाभ देने वाले ये पंछी हैं, इनके पालन से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। बटेर एक इतना तेज़ी से चलता है कि 5 सप्ताह में ही बाज़ार लायक हो जाता है, और इसका जो अगर आप वापस प्रजनन में डालना चाहते हैं तो 6 से 7 सप्ताह बाद वापस ये प्रजनन के लायक हो जाती हैं। इसमें अगर आप कोई सुविधा देखना चाहते हैं और कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो अपने जो पशुपालन अधिकारी हैं वहाँ पर संपर्क कर लें, तो वो और आपको जानकारी दे सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अश्वगंधा की खेती करना चाहता हूँ मैं, और वो कनेक्ट फार्मिंग होती है ना? जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बारे में जानकारी मिल जाती क्या है कि वो उपजा लेंगे अगर अश्वगंधा, तो उसको मार्केट कैसे होगा, या फिर कोई कंपनी कॉन्टेक्ट कर ले तो अपन खेती करना चाहते हैं उसकी? अश्वगंधा तो आयुर्वेद वाले ही लेते हैं, तो आयुर्वेद कंपनी से आप ही को संपर्क करना पड़ेगा कि कौन आपसे लेने तैयार है। उसके बाद बाकी साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि कम से कम ये ग्रीन टीवी वाले जो कार्यक्रम चला रहा है जी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो एक नए क्षेत्र में जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपने सवाल में। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रविशंकर जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। जी हेलो, रविशंकर जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। मैं समझ गया मैडम। जी सर, आपका सवाल आया है। जी जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछे अपना सवाल। अश्वगंधा की खेती करना चाहता हूँ मैं, और वो कनेक्ट फार्मिंग होती है ना? जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बारे में जानकारी मिल जाती क्या है कि वो उपजा लेंगे अगर अश्वगंधा, तो उसको मार्केट कैसे होगा, या फिर कोई कंपनी कॉन्टेक्ट कर ले तो अपन खेती करना चाहते हैं उसकी? अच्छा रविशंकर जी, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इसका मतलब कि कोई खरीददार पहले ही आपके निगाह में हो। जी जी। तो अश्वगंधा तो आयुर्वेद वाले ही लेते हैं, तो आयुर्वेद कंपनी से आप ही को संपर्क करना पड़ेगा कि कौन आपसे लेने तैयार है। उसके बाद बाकी साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि कम से कम ये ग्रीन टीवी वाले जो कार्यक्रम चला रहा है जी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो एक नए क्षेत्र में जाएंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है, थोड़ी सी तरक्की करेगी जी। तो हम तो बहुत आभारी हैं साहब ग्रीन टीवी वालों के, और इससे इनसे जुड़ना चाहते हैं कि कोई भी अगर कोई ऐसी कोई नई कोई खेती की टेक्निक मिल जाए तो जिससे हम लोगों का और बच्चों का सुधार हो भविष्य। देखिए, आप सब लोगों के स्नेह और सहयोग से ग्रीन टीवी अपने 3 साल पूरे कर रहा है, और आप जो समर्थन देते हैं, जो प्यार देते हैं ग्रीन टीवी को, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके जो समस्याएं उनका पूरा समाधान हम करें, विशेषज्ञों को यहाँ लाएं, दूसरे सभी विषय के प्रोग्राम में कोई निकलने नहीं देता, मैं देखता भी हूँ, मैं मोबाइल पे भी देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि जी आपके ग्रीन टीवी दिन दौनी रात चौगनी तरक्की कर किसानों के घर घर में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, ब्रिजपाल जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। आप मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं? मछली पालन के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से, मैं तो एक लेमैन हूँ, इसके बारे में करीब करीब पूरा जानना चाहता हूँ। एक एकड़ खेत में कितनी हो जाएगी? इसकी दो तरह से होती है ना, एक तो गुड़ वो और एक सगर। जी अच्छा ब्रजपाल जी, आप तालाब में बना करके ही मछली पालन करेंगे, तो तालाब में मीठे पानी की जो मछली कर रहे हैं, एक बार पशुपालन पशुपालन विभाग में मत्स्य अधिकारी भी होंगे, तो इनमें उनसे संपर्क कर लें, तो जो सरकारी सहायता है तालाब बनाने की, बीज मछली का बीज खरीदने की, ये उसके बारे में चर्चा कर लें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से चर्चा कर लें कि क्या करना है। तो तालाब का चयन जहां हमें मछली पालन करना है वो भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, और अगर भूमि अलग तरह की है तो हमें किस तरह से तालाब को बनाना है एंड उसके सतह में क्या लगाते हैं कि पानी का रिसाव कम हो, ये सब बातें ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात है कि किस्म कौन सी लें, तो जो हमारे इसमें भी हम जब खेती करते हैं तो कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो ऊपर के पानी में ही अपना जीवन यापन करती हैं, कुछ मछलियाँ होती हैं जो गहरे पानी में भी जीवन यापन करती हैं, तो इस तरह से हम एक सघन मछली पालन कर सकते हैं। तो जो ऊपर के सतह पे मछली हम जीवन यापन कर रही हैं उसमें ज़्यादातर हमारी मछली हैं कटला या सिल्वर क्राप, जो ये मछलियाँ हैं ग्रास कार्प या सिल्वर क्राप, ये जो नस्ल हैं, ये जो किस हैं, ये ऊपर वाली हैं। इसी तरह राहु या मृगल ये नीचे भी कर लेती हैं, तो आपको ये करना है कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछली की ज़्यादा मांग है। मछली का जो प्रजनन होता है वो बारिश के मौसम में होता है, तो कहाँ इसका प्रजनन हो रहा है, मत्स्य विभाग में कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ आपको बीज मिल जाएंगे, यानी छोटी मछलियाँ मिल जाएगी, उनको लेके आपको आगे लगाना है। क्योंकि आप पहली बार ये खेत मछली पालन का काम करना चाह रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर के और इस काम को करें। तालाब बनाना और उसकी देखरेख, मछली कौन सी आपको लेनी है, उसका खान पान क्या रहेगा उसको समझ लें, और फिर अपना व्यापार को आगे बढ़ाएँ। जी ब्रिजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रीन टीवी। दो सवाल है, एक तो भिंडी के रिगार्डिंग है, भिंडी के पत्ते सूख रहे हैं। जी सुबह अगर आप देखेंगे पत्तों के नीचे क्या जो पत्ता है वो सुकड़ रहा है पहले और फिर सूख रहा है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपने सवाल में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, भंवर लाल जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो भंवर लाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। जी सर, आपका सवाल आया है भिंडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। सर क्या तो हुआ है? भिंडी के पत्ते सूख रहे हैं। जी अच्छा, जो पत्ता है वो सुकड़ रहा है पहले और फिर सूख रहा है? हाँ जी, पहले सुकड़ रहे हैं फिर सूख रहे हैं। हाँ, तो जो सुकड़न आ रही है वो जरूर रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनकी वजह से आती है। तो अगर आप सुबह देखेंगे जो स्वस्थ पत्ते हैं उनके नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत छोटे कीड़े नजर आएंगे। ये कितने क्षेत्र में लगा हुआ है? ये किचन गार्डन में लगी हुई है, दो क्यारियों में। अच्छा, दो क्यारियों में किचन गार्डन में लगी हुई है। जी। तो आप ऐसा करें कि इसमें जोधपुर में आपको नीम का तेल मिल जाएगा। जी। मैं चूंकि किचन गार्डन में लगा हुआ है और आप हो सकता है कि
समय बे समय इसको भिंडी उतार भी रहे हों तो थोड़ा एक सेफ जो सुरक्षित हमारा दवा है नीम आधारित उसके लिए उपयोग के लिए कर रहा हूँ। तो 5 मिलीलीटर नीम का तेल लेकर के 1 लीटर पानी में मिला देंगे और फिर छिड़काव करेंगे तो ये कीड़े भाग जाएंगे, कुछ मर भी जाएंगे, तो फिर ये आपको जो नए पत्ते आएंगे वो सही होंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से, पांडुरंग सहनाई जी से, जो कि केरला के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। आपका सवाल आया है, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछे अपना सवाल। मैं यहाँ लीची का पौधा लगा के करीब 6 साल हो गया जी। वो अच्छा तकरीबन 10-12 फुट बड़ा पेड़ हो गया, मगर वो खिलता नहीं, पहले कुछ नहीं लगता है, मगर उसमें ये दिख रहा है कि पत्ता वगैरह छोटा कीड़ा खा के मुरझा हुआ है। अच्छा पांडुरंग जी, ये जो लीची का पौधा होता है अगर वो बीज से तैयार किया होता है तो उसमें फल आने में 7 से 12 साल लग जाते हैं। ओ ठीक है, ये तो बहुत छोटा है तब। हाँ ये छोटा है, तो अभी फल की उम्मीद न करें, थोड़ा इंतजार कर लें। ठीक है, दूसरी बात ये है, एक बात और सर, अवोकाडो लगाया, अवोकाडो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, इतने 5-6 साल ही हुआ है, पेड़ बड़ा हो गया मगर फलता नहीं, वो भी ऐसे टाइम लगेगा। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि केरल में आपका जलवायु बहुत अच्छा है, तेजी से हर पौधे का विकास होता है। हाँ जी, उसमें एक काम करना होता है कि जो हम खाद देते हैं वो संतुलित हो। हाँ जी, तो उसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते न बढ़ें, उसमें शाखाएं भी आएं, फूल आएं, वो भी बढ़ें। अगर जो भी हमारा पौधा है उसकी उम्र फल फूल देने की है तो ये भी देखना जरूरी है कि हम जो खाद दे रहे हैं वो सिर्फ पूरा संतुलित हो, एक ही तरह का खाद ना हो, सिर्फ यूरिया नहीं दे रहे हो, फास्फोरस भी देना है, पोटाश भी देना है। तो हर पौधे को उसकी उम्र के हिसाब से खाद दी जाती है, उतना खाद हम बराबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक, एक हर जिले में आपके पास एक कृषि विज्ञान केंद्र है या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं तो उनसे संपर्क करें। अच्छा, कभी कोई बीमारी हो तो भी उसके बारे में जानकारी लें, पौधे की उम्र बताएं और कहें कि मुझे कितना खाद डालना है, वो भी आपको बताएंगे कौन सी फसल है, और कभी कभी बीमारी और जो खाद की कमी है उसमें पहचान नहीं होती है तो वो उनको ले जाके बताएंगे तो वो पहचान कर लेंगे कि ये बीमारी की वजह से है या खाद की वजह की कमी की वजह से है। अच्छा जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद सर। जी सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी हमारे सभी कॉलर्स को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवालों के जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप अपना पूरा नाम, आप अपना लोकेशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें जिससे कि हम आपको सही वक्त पर सही उपाय बता सकें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।